हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबीपीओ इंटरव्यू का पार्ट 42 है। इसमें हम बात करेंगे मॉर्गेज वर्सेस हाइपोथिकेशन। मॉर्गेज क्या होता है एंड हाइपोथिकेशन क्या होता है। बेसिकली जब आप लोन लेते हैं, कहीं से लोन आप देते हैं, बेसिकली आप लोन बैंक में देंगे, तो आप वहाँ पर मॉर्गेज करते हैं या हाइपोथिकेशन करते हैं, तो कैसी प्रॉपर्टीज़ का मॉर्गेज होता है और किन चीज़ों का हाइपोथिकेशन होता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। अगेन, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमारे इंटरव्यू क्लास के मेंबर्स हैं, प्लीज़ अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, और जो मेंबर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप सारी वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे। ये वो इंटरव्यू क्लासेस की सारी वीडियोस हैं जो आप एक्सेस कर पाएंगे। पूरा लगभग सिलेबस हमने कंप्लीट किया हुआ है एंड बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो आपको इस पीडीएफ में, क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट बुक फॉर इंटरव्यू, इसको डाउनलोड करेंगे, पढ़ लेंगे, मिल जाएगा। दो दिन इनफ है तैयारी के लिए। दो दिन में आपको 6-6, 7-7 घंटे देने पड़ेंगे, बट हाँ, आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं और थोड़ा बहुत पीडीएफ पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मॉर्गेज वर्सेस हाइपोथिकेशन। देखिए, मॉर्गेज वर्सेस हाइपोथिकेशन, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है। देखिए, जब आप लोन लेते हैं ना, जब आप लोन लेने बैंक में जाते हैं या आप जब बैंक में आएंगे और आप लोन देंगे, तो कुछ ना कुछ आप सिक्योरिटी लेते हैं जो कोलैटरल बेस्ड लोन होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज। लेकिन किन चीजों का हाइपोथिकेशन किया जाता है और किसका मॉर्गेज किया जाता है ये हम देख लेते हैं। देखिए, मॉर्गेज हम सिर्फ उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो मूवेबल एसेट्स नहीं है, मोबाइल एसेट्स नहीं है। एंड हाइपोथिकेशन हम क्या करते हैं, हमेशा मोबाइल एसेट्स का करते हैं। मॉर्गेज किसका करते हैं, मॉर्गेज सिर्फ उन चीजों का कर सकते हैं, उन एसेट्स का कर सकते हैं जो अर्थ से अटैच्ड हैं, जो धरती से अटैच्ड हैं। देखिए, जैसे आप के पास कोई लोन लेने आया, ठीक है, और एक कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी की बिल्डिंग, ठीक है, तो कंपनी की बिल्डिंग जो है उसके पेपर्स हम लोग बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, उसको हम मॉर्गेज कर रहे हैं। तो कंपनी की बिल्डिंग क्या है, कंपनी की जो बिल्डिंग होगी वो तो अर्थ से अटैच्ड है ना, अर्थ के सरफेस से, तो उसका हम मॉर्गेज करेंगे। जैसे हम सपोज कर ले लैंड, कोई लैंड है उसका हम मॉर्गेज करेंगे, और आपकी जो बिल्डिंग है उसका हम मॉर्गेज करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हाइपोथिकेशन की, तो देखिए, अगर हम जैसे किसी को मुद्रा लोन दे रहे हैं तो कुछ उसके पास स्टॉक होगा, सपोज 1 लाख रुपए का उसके पास स्टॉक है, तो स्टॉक को हम क्या करेंगे, हाइपोथिकेशन करेंगे। एक्चुअली ऐसी असेट्स जिनको इजिली मूव नहीं किया जा सकता है, अब बिल्डिंग एक बार बन गई तो उसको कोई उठा के मूव करके तो ले जाएगा नहीं, ठीक है, तो बिल्डिंग का क्या होगा, बिल्डिंग का मॉर्गेज होगा। बट हाइपोथिकेशन उन चीजों का होता है जो मूवेबल होती हैं, जो इधर से उधर जा सकती हैं। जैसे कोई कार लोन लेता है तो आपका जो व्हीकल होता है, व्हीकल का क्या करते हैं, हाइपोथिकेशन करते हैं, व्हीकल क्यों इधर से उधर मूव हो सकती है। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं यहाँ पर केसीसी के बारे में, जो क्रॉप होती है आपकी फसल, ठीक है, फसल क्या होती है, फसल आपकी अर्थ से अटैच्ड होती है, लेकिन फसल को इजीली हटाया जा सकता है, वहां से काटा जा सकता है और उसको बेचा जा सकता है, इसलिए क्रॉप का जो है वो मॉर्गेज नहीं होता है, क्रॉप का जो होता है वो होता है हाइपोथिकेशन। आप देखेंगे अक्सर अगर 50,000 रुपए तक की आप केसीसी कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं किसान को, तो हमेशा हम उसमें सिर्फ क्रॉप का हाइपोथिकेशन करते हैं, लैंड का नहीं करते हैं, क्योंकि इतने की तो क्रॉप हो ही जाएगी ऐसा मान के चलते हैं, और 50,000 से कम के लोन में लैंड की जो उसके पास खेती है उसका मॉर्गेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहीं पर हम किसान का जो खेत है उसको अपने पास रख रहे हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसका हम मॉर्गेज करेंगे, ठीक है, लैंड, क्योंकि लैंड इमूवेबल है, किसान लैंड छोड़ के कहाँ जाएगा, वो बेच डेफिनेटली सकता है लेकिन वो बेच नहीं सकता है, क्योंकि जब एक बार हम लोन देते हैं तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहां पर जो उसकी लैंड की डिटेल होती है वहां पर ये लिख जाता है कि ये जमीन इस किसान की जमीन इस बैंक के साथ वहां पर मॉर्गेज है, बंधक बनाई गई हुई है, तो वो बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से मॉर्गेज की चीजों का करते हैं और हाइपोथिकेशन की चीजों का करते हैं। हाइपोथिकेशन उसका करते हैं जो इजिली मूवेबल एसेट्स हैं, और मॉर्गेज उनका करते हैं जो अर्थ से अटैच्ड एसेट्स हैं जिनको मूव नहीं किया जा सकता, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ठीक है, क्रॉप को छोड़कर। और यहाँ पर आपका हाइपोथिकेशन में स्टॉक हो गया, व्हीकल हो गया, आपका जो भी मूवेबल है, ठीक है, एसेट्स, जो भी चीज है आपका,
जैसे आप कुछ भी व्हीकल खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, या बात करें आपके पास कुछ मशीनरीज पड़ी हुई हैं, और या आपके पास कोई भी गोल्ड है, ठीक है, तो ये सब चीजों का क्या होता है, ये सब चीजों का हाइपोथिकेशन होता है। अब बात करते हैं कि ओनरशिप किसके पास होती है। देखिए, दोनों ही केस में जो ओनरशिप होती है